भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मनुष्य के बालक के चार निर्माण स्थलों की चर्चा हम कर रहे हैं। गर्भ, माता पिता की गोद, शिक्षालय और समाज संगति। पहला निर्माण स्थल है बालक का माता पिता। बालक पर माता और पिता दोनों का प्रभाव बढ़ता है। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा जाता है कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। जिसको तीन उत्तम शिक्षक प्राप्त होते हैं, माता पिता और आचार्य अध्यापक, वो बालक आगे चल करके दिव्य बनता है, राष्ट्र का योग्य नागरिक बनता है। दोनों का प्रभाव, माता का भी पिता का भी और उसके बाद आचार्य का भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। हम बालक के प्रथम निर्माण स्थल की चर्चा कर रहे हैं, माता का गर्भ। गर्भावस्था में बालक को जैसे संस्कार मिलते हैं, जैसे उस बालक के माता और पिता का आचार व्यवहार होता है, विशेष रूप से माता का, वैसा ही बालक का निर्माण होता है। माता जैसा चाहे वैसा ही बालक को बना सकती है। इसीलिए सनातन धर्म का सिद्धांत है माता निर्माता भवती, माता निर्माण करने वाली होती है। और पिता का भी योगदान कम नहीं है। भगवान श्री राम वन में भाई लक्ष्मण और सीता के साथ विराजमान है। वसंत की सुहावनी ऋतु है, भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण की संयम की परीक्षा लेने के लिए अपने भाई से प्रश्न करते हैं, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा योषित यौवनम त्रीण रत्नानि दृष्ट्वैव कश्चन उचलते मन। हे भाई लक्ष्मण, फल को देखकर, सुगंधित पुष्प को देखकर, पके हुए फल को देखकर, यौवन से मदमाती स्त्री को देखकर, इन तीन रत्नों को देख करके किसका मन चलायमान नहीं होता, बताओ। लक्ष्मण, जिसे यति कहा जाता है, जो अपनी पत्नी से 14 वर्ष तक दूर रहा था, अयोध्या के महलों से अपनी प्राण प्यारी पत्नी से, दुनिया की अप्रतिम सुंदरी सीता के साथ 14 वर्ष तक जो रहा था, अनेक बार एकांत में रहने के भी अवसर आए होंगे, उस संयमी और यति लक्ष्मण ने अपने भ्राता भगवान श्री राम का प्रश्न सुनकर क्या जवाब दिया, आज के समाज के लिए, आज के युवकों के लिए वो उत्तर प्रेरणादायी है। लक्ष्मण कहता है, पिता यस्य सुचिरभूतो माता यस्य पतिव्रता ताभ्याम य सुनरुत्पन्न तस्य नो चलते मनः। भ्राता श्री राम, पिता जिसका सदाचारी है, माता जिसकी पतिव्रता है,
ऐसे माता और पिता से जो संतान पैदा होती है उसके सामने पका हुआ फल आ जाए, सुगंधित पुष्प आ जाए, यौवन से मदमाती हुई स्त्री आ जाए, उसका मन कभी चलायमान नहीं होता। इतिहास साक्षी है, रामायण साक्षी देती है। 14 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहते हुए उस लक्ष्मण ने ब्रह्मचर्य के कठोर व्रत को धारण किया था, संयमित जीवन को जिया था। ऋष्यमुख पर्वत पर जब सुग्रीव और हनुमान सीता के डाले हुए गहनों को राम जी को दिखाते हैं कि इधर से कोई महिला गई है, राक्षस राज रावण उसको अपहरण करके ले जा रहा था, उस देवी ने ये आभूषण हमारी तरफ फेंके हैं, कहीं ये आपकी पत्नी सीता की तो नहीं है। भगवान श्री राम उस समय लक्ष्मण से कहते हैं, भाई सीता के वियोग में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरा मन विचलित हो रहा है। हे भाई, तुम इन गहनों को पहचानो, क्या ये गहने देवी सीता के हैं? लक्ष्मण क्या उत्तर देते हैं, लक्ष्मण क्या कहते हैं? और ऐसे उदाहरण तो भारत के इतिहास में ही प्राप्त हो सकते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भाई राम, नाहम जाना मि केयूरे, नाहम जाना मि कुंडले, नपुरे तो विजाना मि नित्यम पादाभिवंदनात्। भाई राम, मैं अपनी भाभी मातृतुल्या सीता की बाजू बंधों को नहीं पहचानता। भाई, मैं तो सीता माता के कानों के कुंडलों को भी नहीं पहचान पा रहा हूं। मैं तो केवल माता सीता जो पैरों में जो आभूषण पहनती थी केवल उन्हीं को पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने कभी भी माता सीता के चेहरे की तरफ आंख उठा करके देखा ही नहीं। मुझे नहीं मालूम ये बाजूबंद, ये कानों के कुंडल सीता के हैं या किसके हैं, पर हां ये जो पैरों के आभूषण हैं ये निश्चित रूप से माता सीता के हैं। ऐसा पुत्र दशरथ और सुमित्रा ने तपस्या के बाद लक्ष्मण को पैदा किया था। पिता यश सुचिरभूत, पिता दशरथ उसके सदाचारी थे, माता यश पतिव्रता, माता सुमित्रा उसकी पतिव्रता थी। इन दोनों से पैदा हुआ ये पुत्र लक्ष्मण, इसका मन कभी चलायमान नहीं हुआ। भारत का इतिहास भरा पड़ा है